सुनिए जी, आज का विषय है हिंदी। हिंदी में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था दो वर्ण वाले शब्दों, और आज हम सीखेंगे तीन वर्ण वाले शब्द और वाक्य। पेज नंबर 76। चित्र देखकर शब्द बोल बोलकर पढ़े। ये पहला चित्र है कमल का। कमल शब्द दिया हुआ है आपको। इसके बाद मटर का पिक्चर, यहाँ पर मटर। इसके बाद शहद का पिक्चर दिया है, शहद। इसके बाद बटन का पिक्चर दिया है, बटन। नेक्स्ट बतख का पिक्चर दिया है, यहाँ पर आपको बतख का शब्द दिया हुआ है, बतख। इसके बाद नमक का पिक्चर दिया है, नमक। इसके बाद कलम का पिक्चर दिया है, कलम। नेक्स्ट सड़क का पिक्चर दिया हुआ है, सड़क। इसके बाद भवन का पिक्चर दिया हुआ है, भवन। नीचे आपको महल का पिक्चर दिया है, महल। इसके बाद उपज का पिक्चर दिया है, और लास्ट में कलश का पिक्चर दिया है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77। तीन वर्णों वाले शब्दों के वाक्य। अमन समय पर उठ, आलस मत कर, उठ कर पढ़, समझ समझ कर पढ़। नीचे आपको यह है अमन नहर पर चल, नहर पर मत ठहर, कलश भर कर घर चल, घर चल कर मटर चक, पलक आई, पलक एनक पहन कर आई, घर पर चहल पहल मच गई, पलक अब फल चक, बतख उड़ गई, नमन अब बतख मत पकड़, घर चल कर भवन कर, और लास्ट में शहद चक। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 78। आओ खेलें। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर खाली स्थान पर सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला पिक्चर आपको दिया हुआ है नहर का, तो यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ है जो सही है इसमें आपको लिखना है। पहला पिक्चर है नहर का, तो इसमें नहर, लहर और ठहर आपको शब्द दिया हुआ है, तो हम इस लाइन में नहर लिखेंगे। नहर, इसके बाद बटन का पिक्चर है यहाँ पर, और यहाँ पर शब्द है बटन, बतख और बचत, तो हम लिखेंगे बटन। इसके बाद आपको भवन का, महल का पिक्चर दिया है, यहाँ पर आपको शब्द दिया है महक, महल और मचल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे महल। इसके बाद आपको मटर का पिक्चर दिया है, यहाँ पर शब्द दिया है मटर, पटर और रबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मटर। इसके बाद यहाँ पर आपको भवन का पिक्चर दिया है, और यहाँ पर शब्द भवन, भवन और भजन दिया है, तो हम लिखेंगे भवन। इसके बाद लास्ट पिक्चर है कलम का, यहाँ पर आपको शब्द दिया है कलम, नरम और तरल, यहाँ पर लिखेंगे कलम। पहला पिक्चर था नहर का, इसके बाद बटन, महल, मटर, हवन और कलश का। आज हमने सीखा त्रण वर्ण वाले शब्द, और आज का मोटो है पेज नंबर 76।